धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँ कि जब ये पता चला कि आज चर्चा होगी तो पहले के पार्लियामेंट का और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो एक जो हमारे संसद के चरित्र में बदलाव आया है कि पहले लेबर मूवमेंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लोगों से संसद भरी हुआ करती थी, आजकल खाली हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी उस पृष्ठभूमि में से आने वाले लोगों की लगातार कमी होती जा रही है और कुछ दिनों में तो ये विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आ खड़ी होगी, तो वो चिंता का विषय है। मैं जानता हूँ कई लोगों का बैकग्राउंड। दूसरी चीज महोदय, मैं ये भी सोच रहा था, बिमल रॉय एक फिल्मकार थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी 2 बीघा जमीन, फिर सुजाता, फिर उसके बाद अलग दौर के निर्देशकों ने बनाई नया दौर, नमक हराम, गमन गमन, इसके अलावा बंगला, तेलुगु, मलयालम। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, एक वक्त था जब राजनीति और समाज के चित्रण का सिनेमाई जो चित्रण था उसमें एक तारतम्य था। आप देख लीजिए 70 के बाद, 80 के बाद खास तौर पर वो फिल्में बनना बंद हो गई हैं। इससे भी पता चलता है कि संसद में वो लोग धीरे धीरे हाशिए पे गए और सिनेमाई रिप्रेजेंटेशन में भी हाशिए पे गए। इसलिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जब गठन हुआ होगा तो इसकी जो मंशा, इसका जो उद्देश्य रहा होगा, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं इच्छा तो माननीय मंत्री जी भूपेंद्र जी की भी रही होगी ही कि उस मंशा से ही काम किया जाए, लेकिन कई दफा क्या होता है कि कई तरह की चीजें होती है। मसलन कहते हैं ना, जिस समत की हवा है उसी समत चल पड़े, जब कुछ ना हो सका तो यही फैसला किया। तो इससे आप बचेंगे, आप मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं एक छोटा दृष्टांत दूंगा माननीय सभापति महोदय। हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, बहुत दिन मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी काम करने की कोशिश की थी लैंड रिफॉर्म की। आज भी जब लैंड रिफॉर्म की बात होती है ना, वो बहुत कम दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, उनका नाम शान से लिया जाता है। आप ऐसी कोशिश करें भूपेन जी, श्रम और पूंजी के बीच में असंतुलन है, पूंजी के पक्ष के पैरोकार अनगिनत हैं, श्रम के लिए बोलने वाले कम हैं, खड़े होइए और श्रम के लिए बोलिए, यह आग्रह होगा मेरा। सो प्रकाश जावड़ेकर जी को सुन रहा था, जैसे कहते हैं ना कि जब यह मंत्रालय बना होगा तो हर हाथ को काम और हर काम को सम्मान की बात होगी, वर्क टू ईच हैंड एंड डिग्निटी टू ईच वर्क। प्रकाश जावड़ेकर जी को सुन रहा था, उनको सुनने के बाद कुछ और सुनने की हसरत ही नहीं बची। जॉब्स का जितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उन्होंने किया, परिभाषा दी, तो मुझको लगा कि उनको मैं सिर्फ महज भूतपूर्व मंत्री नहीं मानता हूं, अब भूतपूर्व मंत्री मानूंगा आज से। ये मैं कहना चाहता था ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि उसके बाद तो देश में किसी को लगेगा ही नहीं कि वो बेरोजगार है। इतनी बढ़िया कविताई अंदाज में उन्होंने जॉब का विश्लेषण किया, वही कर सकते हैं, बाकी के मैं समझता हूं कि अख्तियार में ऐसा करना नहीं है। सर, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, संभवतः 5 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर के सानिध्य में, उसकी पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं, और मैं कहूं एक पॉलिटिकल अपोनेंट के नाते मेरे लिए बड़ा आसान है ये कह देना कि आप क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी दर इतनी है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, सरकार छोड़ दीजिए ना। ये सामूहिक चिंता का विषय है। इतनी बड़ी बेरोजगारी, हर दूसरे घर में बेरोजगारी, हर दूसरा रूरल हाउस होल्ड कर्जदार, और हमारी प्राथमिकताओं में अभी भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारी प्राथमिकताओं में अगर श्रम और नियोजन के मुद्दे महत्वपूर्ण होते ना, तो 5 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर के मध्य हम उन विषयों पर संजीदगी से, संवेदनशीलता के साथ सोचते। आज भी देखिए, शायद इस मंत्रालय को सबसे ज्यादा समय की जरूरत थी, चर्चा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, होता तो 12 घंटे रात तक बैठिए, लेकिन ताकि बस 1-2 मिनट लूंगा माननीय वाइस चेयरमैन साहब, तो वो मैं तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में डिक्लाइन पर बोलना भी नहीं चाहता, निजीकरण पर भी कई दफा बोल चुका हूं। निजीकरण आप सब विरोधी हुआ करते थे, आज बिला वजह नहीं है इस तरफ से सारे लोगों ने बीएमएस को कोट किया, एटक को कोट नहीं किया, सीटू को कोट नहीं किया, इंटक को कोट नहीं किया। सर माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इफ विशेष वेयर हॉर्सेस, खैर एनीवे सर, मैं आना चाहता हूं इस बात पे, निजीकरण को लेकर के भी एक रोड मैप होना चाहिए।
क्या निजीकरण हो क्या नहीं हो, सार्वजनिक क्षेत्र के हर उपक्रम को अगर आप बेचने की तैयारी में लग जाएंगे, अगर एसेट को खत्म करने लगेंगे, तो वो जो हमारे प्रावधान है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, उनका क्या होगा? भूपेन जी, आप तो उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, कहां आप कह पाएंगे किसी निजी नियोक्ता को कि साहब हमारे सामाजिक न्याय की अवधारणा को आप लागू करो? नहीं हो पाएगा। और तब फिर सब बैठ करके बाद में हम सब गमी में बैठेंगे, ये क्या किया, सारी संपत्तियां हाथ से निकाल गई। पलायन, आपके लिए ये भी एक बड़ा विषय माननीय मंत्री महोदय के लिए, सर बस एक डेढ़ मिनट लूंगा, ज्यादा लूंगा ही नहीं। पलायन को लेकर के, मैं वैसे राज्य से आता हूं जहां मैसिव जहां से माइग्रेशन होता। सर आपको एक बात बताऊं, आपको ताजुब होगा, 1930-40 में जब कलकत्ता ज्यादा माइग्रेशन होता था, तो हमारे यहां जो बिरहा गाया जाता था, कलकत्ता को सौत की तरह देखा जाता था, आज दिल्ली को सौत की तरह देखा जाता है, चंडीगढ़ को सौत की तरह देखा जाता है, मुंबई को सौत की तरह देखा जाता है, क्योंकि परिवार के परिवार बिखर के रह गए। बिहार आपके लिए सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होना चाहिए, बिहार में इंटरवीन करना होगा कलेक्टिवली, अन्यथा जो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बिहार, सर एक मिनट, फाइनल वन मिनट आई विल स्टॉप। मैं बाल श्रम के बारे में भी बताऊं कि कोविड के बाद ये चिंता बढ़ी है। बाल जी सर, तारतम्य, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब डेढ़ मिनट दे दीजिए, कोई ना कोई उदार चरित्र के व्यक्ति हमको दे देंगे वो वक्त। सर मैं चाहता हूं आप ही को देखूं, आप ही को देखता रहूं, लेकिन करूं क्या, ठीक है। खैर एनीवे, सर मैं बिहार को इसलिए कह रहा था माननीय मंत्री महोदय कि बिहार अगर बीमार होगा, बिहार में निवेश नहीं होगा, बिहार में नियोजन के अवसर नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं देश कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। अभी हाल में बंधुआ मजदूर बवाना में इसी महीने में 73 पकड़े गए सर, क्योंकि कोविड के बाद बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी का पूरा चरित्र खत्म हुआ। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, मैं आपसे आग्रह करूंगा इसको खत्म करिए। सौ मनरेगा में मैंडेट बढ़ाने का आग्रह मैं कई दफा कर चुका हूं। सर ये चीज रिकॉर्ड पे नहीं गई ना तो देश का नुकसान हो जाएगा। लास्ट 30 सेकंड्स, सर देश का नुकसान हो जाएगा, सुन लीजिए। सर 91-92 में वेज टू प्रॉफिट रेशियो 1.41 था, जो 0.32 है, उसके बारे में चिंता हमको बता दीजिएगा। व्हाई द मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन रिवाइज्ड सो फार, इंक्रीजिंग इनफॉर्मेलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, PLFS का मैं दे रहा हूं, एनी प्लान टू चेक देयर वल्नरेबिलिटी, द इंडस्ट्रियल रिलेशन 300 पर रिट्रेंच कर देगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, ये क्या निजाम कर रहे हैं, वर्कर को निकाल दो सारा अधिकार। फाइनली सर, परमिशन, ये गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इसके बारे में क्या सोच है, उनके कंडीशन के बारे में। और सर लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की, यकुम मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की, यकुम का मतलब होता है पहली मई को, जो मे डे के नाम से जाना चाहता है। जय हिंद सर, थैंक यू। ऑनरेबल श्री HD देवगौड़ा जी, नॉट प्रेजेंट, श्री विनय विश्वम जी, माननीय विनय